तो गाइस स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज मैं देखो गंगा के ऊपर हूँ, पानी के ऊपर। तो पर मतलब ऐसे मतलब चल रहा हूँ ब्रिज पे। तो कैसे हो आप सब? खाना खाके जाना हा? तो मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ आज श्रीरामपुर में। आजा तू भी चल। अरे मुझे नहीं आ रही है। आजा आजा एक बार आजा। अरे तो मुझे नहीं आ रही है, बोल रहा हूँ ना यार, एक बार चल सब। अरे मुझे नहीं आना यार, मुझे नहीं आना मुझे। तो गाइज हम लोग बोट पे चढ़ चुके हैं और नजारा देखो, मौसम देखो कितना सुहाना है और बारिश का नहीं कोई ठिकाना है। देखो मौसम इतना साफ है, इतना साफ है, इतना साफ है भाई। देखो मेरे दिल जैसा साफ हो गया आज मौसम। मेरे दिल की तरह मेरा अकाउंट भी साफ हो। तो गाइज मैं अब श्रीरामपुर पहुंच चुका हूँ और भाई खाने का दुकान दिख रहा है आसपास जैसा। हराम का खा खा कर और गेंडा बन गया है तू। तो पता ही है, तो पता ही है, तो पता ही है। चुप कर बेशरम, बांस जैसा लंबा हो गया, लाज नहीं आती तुझे? नहीं। कमजोरी मेरी। और बट बात ये है कि अभी मैं आपको एक जगह लेकर जा रहा हूँ, वो आपको पता चल ही गया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। वीडियो भी स्टार्टिंग में दिख गया होगा बट फिर भी चलिए बताता हूँ आपको वहाँ ले जाकर। तो लो आपका सस्ता कार्तिक आर्यन पहुँच चुका है दोस्तों। और अच्छा और आपको लेकर आ चुका हूँ श्रीरामपुर कॉलेज के बाहर पे। टोटो बस इतनी दूर तक जाएगा, आगे पैदल चल के जाना पड़ेगा। 2 रुपए कम ले लेता कम से कम यार, 10 रुपए का कुरकुरे खा लेता 5 दिन में मैं। वैसे अंदर एंट्री कर चुका था कॉलेज, तो सजा हुआ बहुत ही मजा आ रहा था देख के। कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी बंद कर दिया। पता है आप लोग कहोगे यू आर चालाक ब्रो। हां बहुत चालाक। वाह भाई लाइट तो बहुत बढ़िया लगी है। तो मैंने भाई अपने कदम जो थे वो फूक फूक के रख दिए थे कॉलेज के अंदर। और ये देखो कॉलेज का ये सीन जो मूवी में दिखाया जाता है भाई। इस कॉलेज में कई सारी मूवीज़ बनी है, बंगाली मूवीज़, और भाई गजब की मूवीज़ बनी है। इस कॉलेज का कैंपस देखो इतना बड़ा है भाई, मज़ा आ जाता है जब भी मैं यहाँ आता हूँ। और ये देखो कितना बड़ा ग्राउंड है, कितना बड़ा कैंपस है, और सामने स्टेज भी सजा हुआ है। और भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ लेकिन कोई ऐसा जान पहचान का कोई बंदा मिल नहीं रहा यार। तो मिल गया गाइस, कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ मेरा भाई श्रीजीत भाई। बस मैं लंबा हो गया मेले में, भूख लग गई है और भूख बहुत तेज है। अच्छा तो मैं सोच रहा हूँ कुछ क्या खाने का। तो ये गाइस वेस्ट बंगाल की वन ऑफ द फेमस चाट है जिसे कहा जाता है पापड़ी चाट। और पता नहीं इसमें क्या क्या डाला हुआ रहता है, मुझे तो खाने में मज़ा आ जाता है। ये एक फुचका जैसी कोई गोलगप्पे जैसी डिश है बट भाई ये बहुत ही मीठा और खट्टा और इसमें बहुत कुछ मिलाया जाता है और खाने में तो भाई गजब है भाई, मज़ा आ जाता है। कुरकुरे से भी मज़ा आ जाता है। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग अपना दिल निकाल के हवा में उड़ा रहे थे और जो उसका दिल पकड़ेगा और उसे उसका पार्टनर मिल जाएगा, कुछ ऐसा ही माहौल लग रहा था देखकर। क्योंकि लोग दिल को लेकर हवा में ऐसे उड़ा रहे थे मानो कि किसी के पास चले जाए। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं को प्यास लग चुका है और मैं इसलिए जल्दी से पानी पी लेता हूँ और अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। और ये पानी का बोतल ख़त्म हो चुका है दोस्तों, अब मैं क्या करूँ। ये सस्ती बिस्लेरी नहीं, क्या बिरली, छोड़ो जो भी है,
मेरा इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, या फिर ये कंपनी बिस्लेरी नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कंपनी के बारे में आप की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन वैसे मैं हर तरफ ढूंढ रहा था कि भाई नल कहाँ है, नल कहाँ है, इधर तो नहीं, इधर तो नहीं, नहीं नहीं इधर तो कोई और है, इधर नहीं, इधर नहीं, कैमरामैन इधर भी नहीं है भाई, पानी कहाँ है, पानी पानी और फाइनली भाई मिल गया मुझे पानी का टैंकर। और ये पानी पीने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, लेकिन उसके बाद मैंने पानी भर लिया और लेकर जा रहा हूँ। और अब दिमाग में सोच रहा हूँ भाई मैं भरे हुए पानी का क्या करूँ, मैंने तो पानी पी लिया है और इस बोतल किस काम का नहीं, और 10 रुपये मैंने खर्चा भी कर दिया अपना इस नकली बिस्लेरी पे। तो कोई कस्टमर ढूंढ के मैं इस बोतल को बेच देता हूँ, क्योंकि दुकान तो बंद हो चुकी है पानी वाली, किसी ना किसी को तो प्यास लगा ही होगा। पहला कस्टमर मिल गया गाइस। ये बोतल चाहिए आपको? हाँ, 10 रुपए का है। हाँ, ये भाई कमाई हो गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बेच दिया भाई मैंने बोतल 10 रुपए में, और ये मेरी आज की बोनी हो गई है पहला भाई। तो मैं इधर उधर देख रहा था और हर तरफ देख रहा था, मुझे एक अनोखी चीज नजर आई कि भाई बंदर से इंसान बन गया, लेकिन ये बंदा नहीं बन पाया, ऐसी झप्पियां ले रहा था। उसके बाद एक उदास बंदा भी मेरे को नजर आया जो कटी पतंग उड़ा रहा था, मतलब कि भाई अभी चला गया है भाई, पतंग का जो संक्रांति होता है वो चला गया है। और ये देखो गुब्बारे से पतंग बना के उड़ा रहा था भाई, गजब आदमी है। दिल की पतंग की लिरिक्स को सीरियसली ले लिया बंदा। पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, तो जिस कार्य के लिए, जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए मैं यहाँ आया था उसका समय आ चुका था। मेकला को देखने में आया था, देखने क्या, उसका गाना सुनने में आया था, गलत लाइन मत समझो। तो मैं आया तो था लेकिन कुछ दिख भी नहीं रहा था और सुनाई तो दे रहा था। तेरा नहीं हूं मैं। अरे अरे ये कौन सा सुपरस्टार है भाई, अरे ये सुपरस्टार गिर गया भाई, और यहाँ पे भी एक सुपरस्टार है, क्या चल रहा है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मौसम की मैंने थोड़ी ज्यादा ही तारीफ कर दी थी, और इसलिए हवा इतना जोर चलने लग गया कि देखो पेड़ से जो फूल है वो भी झड़ने लगे, और बिन मौसम बरसात का वक्त आ गया। और देख लो भाई, थोड़ा ज्यादा ही तारीफ करने का नतीजा अब मेरे को घर भागना होगा, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो ये जो कॉन्सर्ट है वैसे भी बंद हो जाएगा, और मैं घर पहुंचने में लेट भी हो जाऊंगा, भीग भी जाऊंगा, तो अब भागना पड़ेगा गाइस इतना मस्त प्रोग्राम छोड़कर। गाइस मैं बाहर निकल चुका हूँ क्योंकि मौसम आप जैसा देख सकते हो पूरा खराब हो चुका है बारिश के कारण, और कई बारिश आ जाएगी मेरे को बोट नहीं मिलेगा, उससे बेटर भाई इतने में ही खत्म कर देते हैं। बोट पे चढ़ के मेरे को 10 मिनट हो गया, लेकिन बोट जाने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि गंगा में जो था वो बहुत जोर तूफान चल रहा था। आप मेरे शक्ल को देख के समझ पाओगे कि भाई हवा की जो गति थी वो कितनी जोर थी भाई, बोट खड़ा हुआ था फिर भी हवा तेज चल रहा था। तो यही वीडियो एंड करते, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते बाय बाय।